गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिफरेंशिएशन ये जो चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट किया है उसके यू इंटू वी रहेगा या यू अपॉन वी रहेगा या चैन रूल, ओके इससे रिलेटेड कुछ सम्स देखेंगे। देखते हैं तो क्या और किस तरह से सम रहेंगे। तो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने दो सम लिख दिए हैं, पहला एक यू इंटू वी का देखते हैं और यहाँ पे मैंने यू अपॉन वी का सम लिखा है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी एंड डेरिवेटिव ऑफ यू अपॉन वी। तो देखते हैं, पहला यहाँ पे दिया है 1 + 4x^5 × 3 + x − x² / 8, ओके तो इसको हम लोग u कंसीडर करते हैं और इसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं v। पहले हम लोग y के लिए कंसीडर करते हैं, लेट y इज इक्वल टू ये, अभी डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, ओके तो यहाँ पे dy / dx आ जाएगा। u इंटू वी का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, पता है हम लोग को, यहाँ पे मैं लिखता हूं u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, क्लियर। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है, तो उसका हेल्प लेते हैं। देखो यू आपका ये है तो एज इट इज आया, यहां पे देख रहे हो आप लोग, देन डेरिवेटिव ऑफ वी, डेरिवेटिव ऑफ वी मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस ये दैट इज वी, वी देखो ये आ गया, देन डेरिवेटिव ऑफ यू, यू मतलब 1 + 4x / 5, क्लियर। यू इंटू वी का फॉर्मूला लगा रहे, अभी देखो ये वाला एज इट इज आएगा, इधर का डेरिवेटिव कर देता है, इसको मैं पूरे को क्या कंसिडर करता हूं, एक्स कंसिडर करता हूं, क्या कंसिडर करता हूं एक्स, तो x^8 ओके x^8 मतलब x^n, n आ गया एंड देन x^n-1 दैट इज 7, क्लियर। एंड देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ x मतलब इसका डेरिवेटिव आएगा 3 + x − x² का, क्लियर। ये तो होता ही है, हम लोग ने देखा इससे पहले भी। आगे जाते हैं, आगे ये वाला टर्म एज इट इज, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका भी हम लोग x कंसिडर करते हैं, x^5 है, कितना है वो x^5, क्या होगा 5 x^4, क्लियर। तो 5 x^x की जगह पे ये है ना 4, ये देखो आ गया, एंड देन अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 + 4x, समझ में आया सबको, यहां तक क्लियर है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो ये वाला एज इट इज मैंने लिख दिया, अभी इसका खाली डेरिवेटिव करने का है, उसमें तीन टर्म में पहला है 3 इज अ कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0, क्लियर। तो ये क्या, x का डेरिवेटिव 1 और x² का 2x और बीच में माइनस है, तो इसका ये आ गया, क्लियर। नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, ये एज इट इज, ये एज इट इज, अभी इसमें डेरिवेटिव निकालने का, तो उसमें से 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 और 4x का कितना आएगा, एक्चुअली x का आएगा, x का 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 4 है तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, क्लियर। समझ में आया सबको, बस इतना ही करने का है। अभी टर्म्स को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, अरेंज करते हैं नॉर्मली हम लोग नंबर्स वगैरह आगे लेके एंड देन डिसेंडिंग ऑर्डर, इंडेक्स के डिसेंडिंग ऑर्डर से नंबर को अरेंज करेंगे। तो 8 देन इसको लेते हैं क्योंकि इसका इंडेक्स नॉर्मली 1 दिख रहा है, देन इसका 5 एंड देन ये 7, क्लियर, बस इतना ही करने का है, हो गया आपका ये वाला साइड का, ओके। आगे देखते हैं, प्लस के आगे भी कुछ टर्म था उसका, यहाँ पे देखो 4 और 5 है, दो नंबर है, 4 × 5 = 20 बराबर, 4 × 5 कितना आता है 20, और अभी आपके पास क्या बचा 3 + x − x² और 1 + 4x / 4, समझ में आया। तो बस इतना ही करने का है, यू इंटू वी का फॉर्मूला यूज करके ये वाला सम आपको करना था, क्लियर। अभी जाते हैं नेक्स्ट वाले सम पे, नेक्स्ट वाला सम भी कुछ उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पे u अपॉन v लगाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन दिख रहा है x/√7 − 3x, क्लियर। तो इसमें हम लोग देखते हैं अभी क्या करने का, इसको हम लोग पहले y के लिए कंसीडर करते हैं। अभी पहले फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, u अपॉन v का फॉर्मूला क्या आता है, u अपॉन v का फॉर्मूला आता है v डेरिवेटिव्स ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव्स ऑफ v अपॉन v², ओके ये हम लोग ने देखा है, लास्ट ईयर भी देखा था, ओके इस ईयर के स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, तो वो वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करने का। तो देखो आपका v कौन है, ये ऊपर वाला u रहता है, नीचे वाला v, तो v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v एंड अपॉन v², क्लियर। यहां तक समझ में आया सबको, ओके तो इस तरह से आपको यहाँ पे करने का है। आगे जाते हैं, देखो अभी इसमें क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x कितना आएगा 1, तो वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो मैंने खाली इतना ही लिख लिया है, उसका तो आपका 1 आ जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। देन ये x का x, अभी यहाँ पे है रूट ऑफ x जैसा ट्रीट करेंगे हम लोग इसको, ये पूरे को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, x कंसिडर करते हैं, ओके। तो ये अगर सपोज x रहेगा तो डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ x क्या आता है 1/√x, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1/√x और x का वैल्यू कितना है 7 − 3x, तो डेरिवेटिव ऑफ 7 − 3x भी फिर से आएगा, बराबर के नहीं, x का फिर से डेरिवेटिव। अभी और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया,
हाँ नीचे बी स्क्वायर था, इसका स्क्वायर मैंने यहाँ पे कर दिया है, कितना आ गया 7 माइनस 3x, क्योंकि रूट में किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या आता है वही नंबर आता है, बराबर रूट ऑफ 7 माइनस 3x का स्क्वायर क्या आएगा 7 माइनस 3x। ओके हाँ, अभी हम लोग क्या करते हैं इसको एज इट इज लिखते हैं, लिख देते हैं, ये भी एज इट इज आ जाएगा, देखो x अपॉन 2 root of 7 minus 3x, इसका डेरिवेटिव इसमें क्या है आपका 3x का डेरिवेटिव निकलेगा, 3x का डेरिवेटिव कितना आएगा -3 minus 3x है तो उसका -3 आएगा, 7 कांस्टेंट नंबर है उसका 0 आ जाएगा वो निकल जाएगा। ओके अभी यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिखने लगा है, क्लियर। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं, इधर 2 root of 7 minus 3x है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके तो क्या होगा, देखो ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये तो पहले से ही था, और ये मल्टीप्लाई करेगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके माइनस इधर कितना है 3x, -3x, और यहाँ पे माइनस है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3x, क्या हो जाएगा +3x, समझ में आया सबको यहां तक। ओके तो ये इस तरह से होगा, मैंने खाली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ऐसा पकड़ के चलो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया देखो, और इसको इसके साथ कर दिया, दैट इज 3x। ओके और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा वो नीचे, वो मैंने इस तरफ लिख दिया है देखो ये वाला, समझ में आया सबको, और ये 7 minus 3x एज इट इज यहां पे भी दिख रहा है देखो, समझ में आया सबको। मैंने क्या किया, मैंने खाली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके उसको अरेंज कर दिया है। ओके अभी देखते हैं आगे क्या होगा, ये 2 का 2 यहां पे भी देखो √7 minus 3x मल्टीप्लाई बाय √7 minus 3x, दैट मीन्स √7 minus 3x का स्क्वायर हो रहा है, और स्क्वायर रूट में किसी भी नंबर का स्क्वायर वही नंबर आता है, तो देखो यहाँ पे वही आ गया 7 minus 3x, ये +3x एज इट इज, यहाँ पे इसको मैं 2 लिखता हूं, इसका मैं इंडेक्स लिखता हूं, आपको पता है स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर रहेगा तो उसका इंडेक्स कितना आता है 1/2, कितना आता है 1/2, तो इसका भी क्या आएगा 1/2। ओके और 7 minus 3x ये जो है वो एज इट इज मैंने लिख दिया है। ओके अभी आगे देखते हैं ये 2 into 7 कितना होगा 14, 2 into 3 6x, और ये +3x। अभी यहां पे देखो ये 2 है, ये मैंने लिख दिया, इसका इंडेक्स कितना है 1/2, और इसका कितना है 1। अगर बेस सेम रहा तो इंडेक्स का क्या होता है एडिशन, बराबर बेस सेम है ना दोनों का, 7 minus 3x का अगर बेस सेम है तो इंडेक्स का एडिशन होगा, इसका 1/2 इसका 1, 1/2 और 1 कितना होगा 3/2, बराबर यस। और आगे देखो ऊपर क्या हो रहा था अपना, ये आ गया 14 का 14 मैंने एज इट इज लिख दिया है, और ये देखो +3x और -6x, इसका कितना आएगा -3x। ओके और इस तरह से आपका फाइनल आंसर आ गया है कुछ 14 minus 3x अपॉन 2 root of 7, सॉरी रूट नहीं है, ब्रैकेट में 7 minus 3x रेस्ट टू 3/2, समझ में आया। इस तरह से हम लोग ने ये यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगा के हम लोग ने ये सम कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग जब भी करोगे तो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे अगर मैंने जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो कर दिया है, ओके वो अगर आप लोग प्रॉपरली समझ के ले लोगे तो ज्यादा कोई डिफिकल्ट तो है नहीं यू अपॉन वी का फॉर्मूला से करने का, क्लियर। और कुछ सम देख लेते हैं डिफरेंशिएशन के, यहाँ पे बोर्ड पे मैंने 2 सम और लिख लिए है, यू इंटू वी है, और एक चैन रूल से करने का देखते हैं किस तरह से। तो पहले ये वाला देखते हैं, 1 plus sin square x ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू 1 plus cos square x ब्रैकेट का क्यूब, इसका u इंटू वी से करके देखेंगे, y के लिए कंसिडरेशन हो गया है अपना, तो ये आपका u है और ये आपका v है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v, सॉरी v डेरिवेटिव ऑफ u, क्लियर, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ओके ये हो गया आपका, अभी कर लेते हैं इसको एज इट इज रखता हूं, इसका डेरिवेटिव करने के लिए हम लोग इसको x पकड़ रहे हैं, ऐसे वाले डेरिवेटिव हम लोग ने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में कर दिए थे, बराबर, तो इसको x कंसिडर करेंगे तो x रेस्ट टू 3, तो 3 आ जाएगा, x रेस्ट टू 3 minus 1 2, बराबर, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x क्या है 1 plus cos square x, 1 plus cos square x प्लस ये है आपका 1 plus cos x cube एज इट इज। अभी इसका डेरिवेटिव निकालने का, इसको हम लोग x पकड़ते हैं, x का स्क्वायर क्या आएगा 2x raised to n minus 1, दैट इज 2 minus 1 1, एंड देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ x, दैट इज 1 plus sin square x, क्लियर, समझ में आया मैंने क्या किया किस तरह से किया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका एज इट इज आ जाएगा, इसका भी एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, 1 plus cos square x है, 1 plus cos square x, उसमें से 1 तो कांस्टेंट नंबर है अपना, तो उसका 0 वो तो चला जाएगा, cos square x का 2 cos x आएगा, एंड देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या आता है -sin x, तो एक साथ ही लिख दिया मैंने, स्टेप नहीं बढ़ाया, उसको कम कर दे, और अभी याद ही रखो cos square x का डेरिवेटिव 2 cos x sin x माइनस आ जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो ये वाला एज इट इज लिख दिया, ये वाला भी एज इट इज लिख दिया है, यहाँ पे अभी यहाँ पे
इसका डेरिवेटिव करने का दैट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 का अगेन सेम कांस्टेंट नंबर है तो 0 हो जाएगा एंड साइन स्क्वायर एक्स का क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर, समझ में आया सबको? अभी देखते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, करके देखते हैं। तो यहां पे अगर आप लोग देखोगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला ये है साइन 2 थीटा बराबर, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा माइनस है, इसके लिए माइनस मैंने साइड में लिख दिया है। ओके, बाकी सब सेम, ये देखो ये देखो, क्लियर। इस तरफ ये सेम है, ये भी सेम है, यहां पे भी देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2 एक्स दैट इज साइन 2 थीटा। क्लियर, वो फॉर्मूला अपना। अभी हम लोग एक काम कर देते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें सिमिलरिटी। अभी एक सेक्शन बन गया पूरा प्लस और ये दूसरा सेक्शन बन गया बराबर यू इंटू वी के हिसाब से। तो अभी हम लोग अगर देखेंगे तो यहां पे देखो साइन 2x इस तरफ भी है उस तरफ भी है, कॉमन निकाला जा सकता है। 1 प्लस साइन एक्स है दोनों के तरफ दिख रहा है, देखो यहां पे 2 है और यहां पे 1 है, लेकिन 1 तो कॉमन निकाला जा सकता है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, यहां पे देखो यहां पे 2 बार है, यहां पे भी 3 बार है, तो हम लोग 2 बार तो बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इतना सब मैंने क्या निकाला है, कॉमन निकाल लिया है। अभी बचा क्या ब्रैकेट में, फिर ये माइनस है तो माइनस आ गया, इधर का 3 बच गया। ओके, और ये साइन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कितना था, 2 था, उसमें से हम लोग ने एक बाहर निकाला तो एक अंदर बचेगा, ऑब्वियसली वैसा ही होगा। यहां पे भी देखो ये पूरा बाहर गया। ओके, अभी इसमें कितना है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब, उसमें से स्क्वायर बाहर निकाला है, यहां पे स्क्वायर निकाला है तो एक बच जाएगा और ये 2 भी तो है। क्लियर, तो इस तरह से हम लोग ने बस कॉमन निकाला है, दैट्स इट, बाकी कुछ इतना है नहीं है, डिफिकल्ट ऐसा स्टेप नहीं है वो, एज इट इज नीचे लिख दिया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, इसको एज इट इज लिख दिया, इसका आ जाएगा माइनस 1 और फिर ये बाकी का तो एज इट इज आपको लिख देने का है और आपका सम यहाँ पे फिनिश हो रहा है। क्लियर, तो सिंपल है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दो क्योंकि टर्म्स थोड़े से ज्यादा टर्म्स हो रहे थे बराबर, और यू इंटू वी लगाने का है तो थोड़ा सा सम का लेंथ बढ़ रहा है। ओके, आप लोग ने इससे पहले भी 2 सम देखे और अभी भी हम लोग देख रहे हैं, सम थोड़े से लेंथी हो रहे हैं। ओके, यू इंटू वी रहेगा या यू अपॉन वी रहेगा तो। ओके, चलो अभी हम लोग एक देखते हैं चेन रूल से किस तरह से काम हो रहा है। ओके, रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस रूट ऑफ एक्स, ये भी हम लोग ने इससे पहले भी थोड़ा बहुत किया है, बस ये वाले पैटर्न में हम लोग को अभी देखने का चेन रूल वाले, y इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉस प्लस रूट ऑफ कॉस रूट एक्स। ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइड बाय dx, दोनों का डेरिवेटिव होगा इस तरफ इसका, इस तरफ इसका। ओके, बीच में प्लस आ जाएगा। क्लियर, चलो कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव, इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स एंड देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स। क्लियर, सेम वहां पे भी 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स है कॉस रूट ऑफ एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स है, बस उतना ही फर्क है, सेम लगेगा। चलो अभी इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, तो ये लिख दिया है मैंने देखो और ये एज इट इज। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन रूट एक्स ना बराबर, और ये भी एज इट इज लिख दिया, लेकिन इधर एक्स अपना क्या है रूट ऑफ एक्स, दैट मीन डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स फिर से आएगा, यहाँ पे एक्स था ना, एक्स का हम लोग ने नहीं लिखा क्योंकि उसका 1 आता है बराबर, लेकिन रूट ऑफ एक्स का निकालना पड़ेगा राइट, तो यहाँ पे रूट ऑफ एक्स का हम लोग ने फिर से डेरिवेटिव निकाल दिया, इसको एज इट इज, इसको एज इट इज, इसका क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स कितना 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स एंड लास्ट में हम लोग अरेंज कर लेते हैं, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, खाली 2 था 4 कर दिया, रूट ऑफ एक्स लिख दिया और कॉस रूट ऑफ एक्स दैट इज रूट कॉस रूट ऑफ एक्स एंड ऊपर वाला साइन रूट ऑफ एक्स एज इट इज, समझ गया। तो इस तरह से करने का, इसमें भी कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, 2 अलग अलग टर्म है दैट इज रूट ऑफ कॉस एक्स एंड देन रूट ऑफ कॉस रूट एक्स, दोनों का अलग अलग हम लोगों ने क्या कर दिया है, डेरिवेटिव कर दिया है। ओके, और इस तरह से हम लोग को फाइनल आंसर मिल गया। क्लियर, ओके, और भी कुछ सम है वो देख लेते हैं, यहाँ पे बोर्ड पे और 2 सम दिख रहे हैं आपके लिए, तो यहाँ पे ये पहला देखते हैं, ई रेस टू रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेस टू रूट ऑफ एक्स माइनस 1 यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगेगा, देखते हैं किस तरह से आएगा, वाई के लिए कंसिडर कर दिया है, डिफरेंशिएट करेंगे इस तरह से आ जाएगा। ओके, और अभी यहाँ पे आपको क्या करने का है, यू इंटू वी यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगाने का, सॉरी दैट इज वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर। क्लियर, सिंपल है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगा देगा। ओके, अभी कर लेते हैं इसका एज इट इज आएगा, अभी इसका आपको क्या करने का है, डेरिवेटिव, यहाँ पे 2 टर्म है ई रेस टू रूट ऑफ एक्स प्लस 1, उसमें से ई रेस टू रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू रूट ऑफ एक्स ही आएगा और 1 का तो कुछ नहीं होगा, 1 कॉन्स्टेंट है ना 0, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स दैट इज रूट ऑफ एक्स।
समझ में आया, क्योंकि x है ना e रेस टू रूट ऑफ x का, तो उस रूट ऑफ x का फिर से डेरिवेटिव, क्लियर। सिमिलरली आगे भी होगा, इसका एज इट इज, इसमें e रेस टू रूट ऑफ x का e रेस टू रूट ऑफ x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ x, सेम आने वाला है, ज्यादा कुछ नहीं है, एंड नीचे एज इट इज लिख दिया, क्लियर। इसको मैं एज इट इज लिखता हूं, इसका कितना आएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x, आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ x कितना आता है 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x, तो यहां पे भी सेम, इधर का भी 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x, क्लियर। सेम स्टेप है यहां पे और वहां पे, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, खाली प्लस और माइनस का फर्क है। अभी एक काम करते हैं, कॉमन देखते हैं, कॉमन देखो e रेस टू रूट ऑफ x और अपॉन 2 रूट ऑफ x, ये इसके तरफ भी है और इसके तरफ भी है, बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा e रेस टू रूट ऑफ x माइनस 1, और ये माइनस है, अंदर जाने के बाद माइनस e रेस टू रूट ऑफ x माइनस, और प्लस और माइनस का क्या होगा माइनस 1, समझ गया। मैंने कॉमन निकाला है, क्या निकाला है कॉमन, फिर एक बार बताता हूं, देखो e रेस टू रूट ऑफ x और अपॉन 2 रूट ऑफ x, ये कॉमन निकला, तो यहां पे a पूरा का पूरा ऐसा आ जाएगा और माइनस ये है ना, तो माइनस साइन अंदर जाएगा, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, क्लियर। अभी नेक्स्ट वाला स्टेप कर लेते हैं, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया है, यहां पे देखो प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर, और माइनस वन माइनस वन माइनस टू, और ये एज इट इज। अभी यहां पे टू टू भी कैंसिल हो जाएगा अपने, बराबर, और आपके पास आंसर क्या बच रहा है, ये माइनस साइन आ गया, ये माइनस ई रेस टू रूट ऑफ एक्स, और नीचे है रूट ऑफ एक्स और ब्रैकेट में ई रेस टू रूट ऑफ एक्स माइनस वन का स्क्वायर, समझ में आया सबको, ओके, एकदम इजी है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, यू अपॉन वी का फॉर्मूला हम लोग ने लगा दिया है, ओके। सेम कैटेगरी का वैसे ही थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा चेंजेस वाला सम हम लोग देख लेते, यहां पे मैंने लिख दिया है, डायरेक्टली कंसिडर ही कर रहा हूं, ओके, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है इसके लिए मैं डायरेक्टली कंसिडर ही कर रहा हूं, लेट वाई इज इक्वल टू ये, ओके, एक्चुअली आपका सम ये था, क्लियर। तो इसका हम लोग देख लेते हैं, सेम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ओके, इसके पहले हम लोग इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, इसको पहले क्या कर लेते हैं अरेंज कर लेते हैं, अरेंज क्यों करने का, ये e रेस टू माइनस टू एक्स है, बराबर, इंडेक्स माइनस है, तो उसको मैं नीचे लेके प्लस कर रहा हूं, यहां पे भी और यहां पे भी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्लियर। अभी क्रॉस कर लेते हैं e रेस टू टू एक्स और e रेस टू टू एक्स, e रेस टू फोर एक्स माइनस वन अपॉन e रेस टू एक्स, और यहां पे भी सेम e रेस टू टू एक्स e रेस टू टू एक्स e रेस टू फोर एक्स प्लस वन अपॉन e रेस टू टू एक्स, और दोनों का अपॉन जो e रेस टू टू एक्स है वो मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ओके, ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर e रेस टू टू एक्स हो जाएगा, इधर भी और इधर भी होने वाला है, मतलब इसका भी और इसका भी डिनोमिनेटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास e रेस टू फोर एक्स माइनस वन और नीचे e रेस टू फोर एक्स प्लस वन बचेगा, क्लियर। अभी वो सम इसी तरह से दिखने लगा, ओके, सेम है, बस वही करेंगे, यू अपॉन वी, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, क्लियर। अभी कर लेते हैं इसको एज इट इज, इसका डेरिवेटिव इसमें इसका ही आएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट नंबर है, e रेस टू फोर एक्स का e रेस टू फोर एक्स एंड देन डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज फोर एक्स, सिमिलरली आगे भी ये एज इट इज, ये इसका डेरिवेटिव e रेस टू फोर एक्स का e रेस टू फोर एक्स एंड देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ फोर एक्स, और यहां पे तो वन है, वन का तो डेरिवेटिव जीरो, क्लियर। सेम आपको करते रहने का है, देखो ये एज इट इज, इसका कितना आएगा फोर, बाकी तो कुछ चेंजेस नहीं, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, इसका कितना आएगा फोर, बाकी कुछ चेंजेस नहीं, नीचे वाला एज इट इज, समझ में आ रहा है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, हम लोग वही खाली फोर एक्स का डेरिवेटिव फोर लिख के आगे बढ़ रहे हैं, ओके। अभी हम लोग कॉमन देखते हैं, तो देखो इसके पास ये है और इसके पास भी ये है, तो ये दोनों कॉमन निकल रहे हैं, दैट इज फोर इंटू ई रेस टू फोर एक्स, दोनों के पास दिख रहा है आपको, यस, तो वो हम लोग साइड में ले लेते हैं, इधर ये बचेगा और ये माइनस, अंदर जाएगा तो माइनस और माइनस का प्लस कर देगा, क्लियर। अभी आगे आगे अगर आप लोग देखोगे तो यहां पे भी ये e रेस टू फोर एक्स दोनों प्लस और माइनस कट हो जाएगा, क्लियर। तो आपके पास क्या बच रहा है, देखो वन प्लस वन टू बच रहा है, और ये तो एज इट इज है, बाकी का देखो एज इट इज है, ओके, खाली ये वन प्लस वन का मैंने टू लिख दिया है, देख सकते हो आप लोग, ओके, एंड देन टू इंटू फोर एट होगा, e रेस टू फोर एक्स एज इट इज है, और नीचे वाला भी आपका एज इट इज है, समझ में आया, सब सेम सब में हम लोग यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगा दिया है और डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा, बस आपको फॉर्मूला और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर सम कर दोगे तो आपको समझ में आएगा, क्लियर। तो आज हम लोग ने कुछ यू इंटू वी, यू अपॉन वी या चेन रूल से रिलेटेड कुछ सम देखे, ओके, आई होप कि आपको ये सब सम अच्छी तरह से समझ में आए रहेंगे, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, थैंक यू।